हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है। तो आज का टॉपिक इस वीडियो में जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने टाइटल में देख लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा। तो क्या सच में कोई मतलब रिएक्शन चैनल्स आपने देखे होंगे कि हिंदूज़ रिएक्शन ऑन इस्लाम, हिंदूज़ रिएक्शन ऑन दिस, हिंदूज़ रिएक्शन ऑन डैट, सिख रिएक्शन ऑन दिस, सिख रिएक्शन ऑन मुस्लिम्स, ऐसे करके आपने वीडियोज़ देखे होंगे। तो बहुत सारे वीडियोज़ इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। क्यों? सबसे पहले आते इसलिए हैं, ये वीडियोस स्टार्टिंग इसलिए होती है कि उससे पैसा कमाया जाए, लोग हमें व्यूज़ ज़्यादा दें, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा उन वीडियोस को देखे कि एक हिंदू यार कैसे हमारे इस्लाम को देख रहा है और कैसे यार वो हमारे बारे में क्या सोचता है। मतलब ये एक क्यूरियोसिटी है अंदर से मुस्लिम्स के अंदर, इसलिए ये वीडियोज़ ज़्यादा बनती है, व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए लोगों में चाहत होती है कि यार मैं भी हिंदू हूँ, इसलिए मैं भी मुस्लिम मतलब कुछ और धर्म से हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ या जो भी हूँ, वो लोग बैठते हैं और वीडियोस बनाते हैं कि यार वाओ व्हाट धर्म, क्या मजहब है, क्या रिलीजन है, उसकी कुछ तारीफ़ें झूठी करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब झूठी होती हैं, 99% लोग जो होते हैं वो झूठी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि वो दिल से नहीं बोलते हैं, सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि यार वाओ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छा लगे। सीधे साधे लोग होते हैं और वो जाएं और उनको व्यूज़ दे दें और पैसे कमा लें वो अपने आर्ट ऐश की ज़िंदगी। तो ऐसे स्टार्टिंग होती है। तो क्या ये जो परम इंडियन यूट्यूबर है एक जो रिएक्शन चैनल चलाते हैं, इन्होंने सच में इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं, ये हम वीडियो देखेंगे, बाकी बात हम बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। भाई इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों बेशक इस्लाम राह हिदायत है और बेशक इस्लाम राह निजात है और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए क़यामत तक ये एक हकीकी सच्चाई है। चूँकि हिदायत देने वाला अल्लाह है, इसीलिए ये कोई नहीं जानता किसको किस वक्त हिदायत मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका कई जगह पर जिक्र किया है। इसकी मिसाल दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी को छोड़कर, इस दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है। बेशक वो लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह हिदायत नसीब फरमाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसी सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया के एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर परम सिंह ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों परम सिंह के बारे में थोड़ा सा बताएं तो परम सिंह का यूट्यूब पर हरमनजोत इंडियन रिएक्शन के नाम से एक चैनल है जिसमें 2.25 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उसमें ये अपने भाई बहनों के साथ बैठकर इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन दिया करते हैं और ये काफी सालों से इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर इस्लामी तालीमात का काफी गहरा असर हुआ और जिसका फायदा ये हुआ कि ये इस्लाम कबूल करने से पहले ही 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करने लगे। दोस्तों ये अपने कबूल इस्लाम की वीडियो में बताते हैं कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम तो एक जिंदगी जीने का तरीका है। जिंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका आपको इस्लाम से ही पता चलेगा और कहीं से नहीं पता चलेगा। लोग बोलते हैं कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। मैं भी 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ ये मुझे ही पता है। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले से अच्छे से बात करना, अच्छा इखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना पड़ता है। और अगर गलती से कोई गुनाह भी हो गया तो अपने दिमाग पर इतना वजन देना पड़ता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना ज़्यादा मैं बदल गया हूँ, मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ और हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और इसके बाद वो कलमाए तौहीद पढ़कर मुशर्रब इस्लाम हो जाते हैं। It's not a religion, it's the way of life. लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं यार के इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। यार मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ डेली अल्हम्दुलिल्लाह, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचाऊँ मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचाऊँ। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को अच्छे से उससे बात करना, अच्छा अखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना,
और अगर गलती से कोई गुनाह हो भी गया तो अपने दिमाग पे इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई इतना ज्यादा वो हो गया हूँ मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इस्लाम कबूल किया है। यस, आई एम अ मुस्लिम। दोस्तों, आजकल के जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो इस्लाम का कुछ नुकसान करें, इस्लाम और तेजी के साथ फैलता जा रहा है। सबसे तेजी से दोस्तों, हर एक दिन, हर एक रोज हम देख रहे हैं कि कोई न कोई फेमस सेलिब्रिटी, कोई न कोई फेमस एथलीट्स, फेमस यूट्यूबर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हर रोज जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान पाक में फरमाते हैं, इसका मफहूम है, जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंचे और आप लोगों को देख लें कि वो जोग दर जोग दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने रब की हमद के साथ तस्बीह फरमाएं और उस रब से इस्तगफार करें, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां अपने दीन में दाखिल हो रहे हैं, वो कुरान को पढ़ रहे हैं, वो इस्लाम को समझ रहे हैं, वो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर हो रहे हैं और उनके बताए हुए बातों पर अमल कर रहे हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को तो और भी ज़्यादा इबादत गुजार होना चाहिए, और भी ज़्यादा हमें अपने दीन की अहमियत देनी चाहिए। हमें अपने दीन को हल्के में नहीं लेना है, हमें इस दीन को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाना है, और हम इसे लोगों तक अपने नेक आमाल के जरिए पहुँचा सकते हैं, अपने इल्म के जरिए पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई एक बंदा भी हमारे जरिए से दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो अल्लाह हमें इसका वो अजर देगा जिसका हम ख्याल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदा भी हमारे जरिए इस्लाम में दाखिल होगा और वो जितने भी अच्छे अमाल करेगा, वो जितने भी नेकियां करेगा, उसका पूरा पूरा अजर हमको भी मिलेगा। आपको उतनी ही नेकियां मिलेंगी जितनी नेकियां उस बंदे को मिलेंगी जिसने आपके जरिए इस्लाम को कबूल किया है। तो दोस्तों, अपनी अहमियत समझे और अपने दिल में अपने दीन के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करें। दोस्तों, आप हमें अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन। सबसे पहली बात, अच्छी बात है, इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म नहीं। उसको कबूल करना एक अलग चीज़ है, उस पर टिके रहना एक अलग चीज़ है। असली है या झूठ है ये सब कुछ जो मैंने अभी देखा है, ये परम जो यूट्यूबर हैं, क्योंकि आजकल एक्टिंग में और रियलिटी में आप फ़र्क नहीं देख सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि कुछ लोग एक्टिंग करते रहते हैं और कुछ लोग तो सालों साल चलते रहते हैं। सबसे शुरू से कहते हैं कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ये धर्म, मुझे बहुत प्यार है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, लेकिन वो कई सालों तक उससे पैसा खींचते रहते हैं, पैसा बनाते रहते हैं, उसके बाद जाकर कह देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं एथीस्ट हूँ, मैं ना इस धर्म को मानता हूँ ना इस धर्म को मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो सबसे पहली बात, अगर इन्होंने कबूल किया बहुत अच्छी बात है, ये टिके रहें। अगर इसलिए लगा रहा हूँ यार क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्टिंग करते हुए, बाद में पता चलता है कि यार बड़ा दुख होता है बाद में कि यार उन्होंने ऐसे एक्टिंग की, लोगों के इमोशंस के साथ खेला, फिर वो अपने दूसरे उस पर आ गए, अपने पुराने ज़िंदगी पर आ गए। सो अगर इन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। अगर हिदायत असलियत में मिल जाए किसी को तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये बात सच है। हमने उनको देखा है, एंड्रयू टेट करके हैं जो एक उन्होंने मतलब जो खिलाफ़ में बुक लिखने जा रहे थे वो इस्लाम के फेवर में आ गए, तो ऐसे लोगों को भी देखा है हमने, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। और सबसे तेज़ी से फैलने वाला इस्लाम है, ये बात सच है, और इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग चलने भी लगे हैं। क्या सच है क्या झूठ है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ अपने अपनी राय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।